स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, क्या वो हमारा भविष्य है। तो आइए देखते हैं, प्लास्टिक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत हमारा क्या क्या था, हमारे लिस्ट क्या थी। तो हमारे लिस्ट में था नॉन परमिएबल, बेसिकली आप ये समझिए पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, मतलब आप कुछ भी डालिए, तेल डालिए, किरोसिन डालिए या कुछ भी डालिए, वो एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं चला जाए, मतलब आपका मटेरियल है इधर से उधर ना चला जाए, इसको कहते हैं नॉन परमिएबल। सो हमें ये चाहिए था, ठीक है। दूसरा, ये हल्का होना चाहिए। आप कहोगे स्टील भी ये कर सकता है और स्टील से ये आपका फ्यूल, गाड़ी का फ्यूल टैंक बनता है, लेकिन आप पता है स्टील हल्का चीज़ है नहीं, तो लाइट वेट होना भी ज़रूरी है। दूसरा, उसके बाद उसको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अब आप फ्लेक्सिबल कहोगे कि मेटल फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन आप देखोगे कि मेटल सी जैसे एल्युमिनियम फॉइल हम लोग यूज़ करते हैं, वो तो मोड़ने पर तो टूट जाता है, या तो उस पर आप उंगली डालो सीधे छेद हो जाता है। वो इसलिए कि मेटल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कि उसके केमिस्ट्री के लेवल पे है, वो सपोर्ट नहीं करता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप बना सकते हो, आप उससे स्प्रिंग बना सकते हो, लेकिन स्प्रिंग भी एक ही डायरेक्शन में काम कर पाएगा। आप उसको हर तरफ से मोड़िएगा, वो कुछ टाइम के बाद अपना पावर लूज कर देगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे लकड़ी है, पानी उसको ख़राब कर देता है, दीमक उसको खा जाता है, आप मेटल लगा दिए उसको पानी खा जाता है, हवा में उमस है वो उसको जंग दे देगी। तो आप ये सब देखिए, इनर्ट भी होना चाहिए। तो मेटल काफ़ी चीज़ इसको पूरा कर सकता है, लेकिन भारी बहुत हो जाएगा, कोई चीज़ और कुछ पूरा कर लेता है लेकिन दूसरे चीज़ में लटक जा रहा है। तो ये हमारी लिस्ट थी। तो प्लास्टिक के सिवा कोई और चीज़ नहीं है जो ये सारे लिस्ट को पूरा कर सकती है। तो हमें क्या मिला, प्लास्टिक में हमें मिला क्या? तो आप ये समझिए, प्लास्टिक जो है कार्बन से बना है, जो कार्बन आप कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, जो आपके हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोल, गैस, डीजल ये सब में जो कार्बन होता है, ये वही है। बस इसका कार्बन बैकबोन है, मतलब कार्बन का चेन बनाया गया है, उस चेन पे काफ़ी अलग अलग एलिमेंट्स डाले जाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो कार्बन इसका बैकबोन है और ये एक मटेरियल जो सब चीज़ कर सकता है। तो प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन और बहुत सारे अलग टाइप के कार्बन को मिला के एक मैजिक मटेरियल बनाया जो ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है। और इसे हम छेड़ सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे आप, मैंने आपको बताया कि आप मेटल को बहुत पतला भी काट दोगे वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल के बाद अपना स्ट्रेंथ नहीं रख पाता है। प्लास्टिक के साथ इशू नहीं है, प्लास्टिक की शीट देखेंगे कितनी पतली होती है, फिर भी आप उंगली जाए वो मुड़ जाएगा लेकिन वहाँ छेद नहीं होगा, मतलब आप बहुत मेहनत करोगे तो हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल उससे पहले ही छेद हो चुका होता है उसमें। तो एक मटेरियल है जो सब चीज़ कर सकता है, प्लस हमें उसके काफ़ी डीप लेवल पे जाके, मतलब उसके केमिस्ट्री के लेवल पे जाके हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक मिले। तो आइए कुछ टाइप के प्लास्टिक देखते हैं। पहला है बल्कनाइट, जो 1907 में आया, यानी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो आप बहुत पुराने टेलीफोन्स में देखेंगे, इस तरह का बड़ा ठोस प्लास्टिक टाइप होता है, बड़ा भारी, एकदम ऑलमोस्ट मेटल जैसा लगता है, बड़ा भरपुष्ट चीज़ होता है, आग वग इसमें नहीं लगता इसलिए यूज़ किया जाता है। फिर आया नायलॉन 1930s में। नायलॉन तो आपको पता ही, आप कपड़े में यूज़ कर सकते हैं, आपके टायर में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे यूजेज हैं, और इसका ऐसे बुशिंग मतलब वॉशर की तरह यूज़ किया जाता है नायलॉन का। PVC कुछ ही दिन बाद उसका मास प्रोडक्शन होने लगा, जो पाइप तो आपके सारे PVC के ही हैं तो आपको पता ही है। और प्लेक्सीग्लास एक ट्रेडमार्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेडमार्क नाम है, ये केमिकल का नेम नहीं है या केमिस्ट्री का नाम नहीं है, ये कंपनी जिन्होंने इसे पॉपुलर किया उसने अपना नाम डाल दिया। तो प्लेक्सीग्लास 1933 में, जो कांच का रिप्लेसमेंट है। प्लेक्सीग्लास कार्स में भी यूज़ किए जा सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स में यूज़ किए जाते हैं, प्लेक्सीग्लास के एक्वेरियम बहुत आते हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब प्लास्टिक एक चीज़ है जो सब चीज़ कर सकता है। तो इसका कोई अल्टरनेट क्यों नहीं है, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो ऑलमोस्ट मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप बोलोगे अल्मोनियम का कैन में हम लोग अपना कोको कोला ले लें, तो ठीक है आपका बात सही है, लेकिन अल्मोनियम बनाने में बहुत एनर्जी लगता है, प्लास्टिक से ज़्यादा एनर्जी लगता है अल्मोनियम को बनाने में। अब बना तो लिया वो भी सही है, लेकिन उसका वज़न भी बढ़ गया है, और वज़न भी बढ़ गया, प्लस आप एक बार पियोगे उसके बाद उसको क्रश करना, उसको पिघलाना, उससे वापस फ्रेश अल्मोनियम निकालना, बहुत एनर्जी लगता है। दूसरा, ये महंगा है, एल्युमिनियम कैन का तो आप दाम देख ही होंगे इंडिया में कितना ज़्यादा है, आधा लीटर में आपको बेसिकली 200 ml देते हैं, मतलब आधा लीटर प्लास्टिक के बॉटल में मिलेगा, 200 ml आपको कैन में मिलेगा। तो आप बोलोगे भाई पैसा पे कर रहे हो, तो एक्सपेंसिव है, तो आप बोलोगे भैया छोड़ दो। दूसरा, जैसे आपको आजकल हर जगह सुन रहे होंगे कि कपड़े के बैग इस्तेमाल करें, पेपर के बैग इस्तेमाल करें, वो सब फ्री का नहीं है। एक कपड़ा का बैग में 10,000 प्लास्टिक बैग के जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर में एक बैग को बनाने के लिए, प्लस
पेपर बैग तो यूज़ भी नहीं कर सकते आप 6-7 बार, एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बार खत्म हो जाएगा। प्री साइक्लिंग करने के लिए पेपर बैग अच्छा है, जैसे मान लिया अखबार है, अखबार आपने खरीद लिया, प्रिंट कर लिया, उसका ठोंगा बना के उसमें आपको सिंगाड़ा दे रहे हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि वो बन ही चुका है, पेपर वो निकाला जा चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंज्यूम करने लगे, जैसे मान लिया सब शॉपिंग मॉल में या हर जगह ये देने लगा, तो पेड़ काट काट के ये बनाया जाएगा, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ, बचाए क्या? तो हर चीज़ मिला के, और ये सब इतने इनकन्वीनियंट है कि प्लास्टिक जितना कंफर्टेबल है नहीं यूज़ करना, एंड में आप बोलोगे भाई ये छोड़ दो, मतलब मुझे इतना मेहनत नहीं करना, और वो इंसानी नेचर है, वो कुदरती नेचर है, हमारा ब्रेन ऐसे बना हुआ है कि उसको कन्वीनियंस चाहिए, ये कुदरती चीज़ है, हर जानवर खोजता है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो अब मैंने बताया कि अल्टरनेटिव नहीं है, प्लास्टिक एकदम मैजिकल है, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बहुत साइड इफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको नीचे साइड इफेक्ट, सबसे पहला इसमें काफ़ी चीज़ ऐड किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन है, तो कार्बन अगर आप आग लगा दे तो कार्बन में आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, मतलब जब सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब डेंजरस नहीं है और टॉक्सिन भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक में अलग अलग प्रॉपर्टी निकालने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वो प्लास्टिक हार्ड है, क्या वो प्लास्टिक सॉफ्ट है, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट मिलाते हैं उसमें, जैसे कभी ऑक्सीजन का छेड़छाड़ करते हैं, कभी उसमें हम लोग क्लोरीन डालते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ डाल डाल के उसमें छेड़छाड़ी करके मॉलिकुलर लेवल पे हम लोग मटेरियल बनाते हैं, उसमें से काफ़ी सारे चीज़ टॉक्सिन होते हैं ना, इसलिए उसको बैन नहीं किया जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, मतलब जैसे 1 किलो का प्लास्टिक है तो उसमें 1 ग्राम भी वो नहीं हुआ है, वो 1000th मतलब 1000th ऑफ ए ग्राम होगा, मतलब बहुत 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 छोटा अमाउंट होता है, तो इसलिए उतना डायरेक्ट है। लेकिन ज़िंदगी भर में आप कितनी बार प्लास्टिक बॉटल से पानी पियेंगे, ज़िंदगी भर में कितनी बार बच्चा प्लास्टिक का रैपर खोल के उससे चॉकलेट खाएगा, उससे चिप्स खाएगा, तो ओवर टाइम ये पाइलअप होने लगता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक फूड सेफ प्लास्टिक बनाने लगे जिसमें ये सब केमिकल नहीं थे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो आपको पता ही, हम लोग खेती करते ही हैं तो आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक अगर ज़मीन में पड़ गया, ज़मीन में जड़ नहीं जा पाएगी ज़्यादा अंदर, वो जड़ को जाने से रोक देगा, दूसरा वो गलता नहीं है तो माइक्रो बैक्टीरिया सब जो हैं, बैक्टीरिया सब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अर्थवर्म उसको खा नहीं सकता, मर जाएगा अगर खा गया तो ये सब करने के बाद वो मतलब पूरा अपना फार्मिंग लैंड को डैमेज कर देगा, तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। और सबसे बड़ा खतरा जो अब पिक्चर में आ रहा है वो है माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक मैंने आपको बताया कि डिग्रेड नहीं होता लेकिन टूट सकता है, मतलब आप प्लास्टिक को फाड़ सकते हो, आप प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हो, जो सबसे छोटा टुकड़ा उसका बनेगा वो भी फुल प्लास्टिक ही है, बस वो समझिए जैसे आप ईंटे की दीवार है और ईंटा है, वही है, आप ईंटा निकल जा रहा है, जो ईंटा है उसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक, वो मतलब 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, पतले पतले धागे जैसे होते हैं, ये सब जगह पहुँच गया है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा प्लास्टिक अल्ट्रावायलेट से वनरेबल होता है, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट प्लास्टिक को ख़राब कर सकती है, जो कि सन में होता है, तो आप देखते होंगे यहाँ का सादा कलर का प्लास्टिक का चेयर अगर धूप में रख दिया तो वो पीला होने लगता है, बहुत चीज़ इसमें प्लास्टिक का पीला रंग हो जाता है, वो इसलिए होता है कि उस अल्ट्रावायलेट रेज उसको ब्रेक डाउन कर देती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो प्रॉब्लम है कि ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, वो पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है, वो टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। तो ये समुद्र में जब मिल गया, समुद्र में हमने जो कचरा डाला वो मिल गया, वो इतना छोटे टुकड़ा में हो गया, पानी ऐसे ही उसको तोड़ रहा है, फिर सूरज का लाइट है, जानवर हैं आगे पीछे चल रहे, शिप है आगे पीछे चल रहे, मतलब टूटने के बाद वो इतना छोटा हो जाता है कि मतलब समझिए रेत के दाने जितना हो जाता है। अब मछली उसको खाती है, हम लोग मछली को खाते हैं, आप कहोगे नहीं मैं शाकाहारी हूँ, कोई बात नहीं, आप नमक तो खा रहे हो, नमक में भी ये सब आजकल आने लगा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जिसके बारे में अभी बस सामने आया है कि यार माइक्रोप्लास्टिक तो बड़ा घोटाला चीज़ है, ये मतलब लगभग उतना ही नुकसान करता है जितना लेड हम लोग जो पेट्रोल में डालते थे पहले, कई साल लगा साइंटिस्ट लोग को लड़ लड़ के उसको वापस हटाने के लिए, तो माइक्रोप्लास्टिक काफ़ी डेंजरस है। तो इतना डेंजर है कि मतलब पूरा इंसान का खाना ही ख़राब कर सकता है, तो भी क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा फ्यूचर है, उसका रीज़न बस सीधा ये है कि प्लास्टिक को सलटाना बहुत आसान है, आपको बस प्लास्टिक को जलाना है। तो आप कहिएगा यार प्लास्टिक को जलाएंगे तो उसे वो तो फ्यूम निकलती है जो कि डेंजरस है, बात सही है, लेकिन प्लास्टिक को इंसिनरेट करने के लिए आपको 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये कितना होता है आप बस ऐसे समझिए कि इतने पे अल्मीनियम आपका पिघल जाएगा, मतलब लोहे से कम है, लोहा पिघलाने के लिए जितना टेम्परेचर उससे कम ही है, लेकिन काफ़ी हाई टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस छोटा टेम्परेचर नहीं है, काफ़ी कम तगड़ा टेम्परेचर, कोयले की भट्टी वाली टेम्परेचर है, और इससे जो गैसेस निकलेंगी जितना हाई टेम्परेचर उतना सेफ होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड आपके लिए नुकसानदायक तभी हो जब वो बड़े बड़े केमिकल हों, जब वो टूट टूट के छोटा हो जाता है तब वो कुछ कर नहीं पाता है, तो टूट टूट के उसको छोटा करने के लिए फायर से बेटर चीज़ तो कुछ है नहीं।
तो वो उसके बाद जो गैसेस निकलेंगे उसे हम लोग को डालना पड़ेगा फ्लू ग्लास ट्रीटमेंट्स में। ये सब सिस्टम ऐसा नहीं कि नई चीज है, ये बनाए जाते हैं, ये काफ़ी बार पेट्रोलियम प्लांट में लगाए जाते हैं, ये कई बार कोल पावर प्लांट में लगाए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं नया चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये दोनों चीज़ आपको एक हाई टेम्परेचर भट्टी में डालिए और प्लस उससे जो गैस निकल रहा है उसको एक फिल्टर से साफ कर दीजिए, तो आप प्लास्टिक को एकदम अच्छे से साफ कर ले। अब आप बोलिए यार उतना बिजली पानी जो भी खर्च हो रहा है उतना क्यों करूं मैं, उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। स्वीडन एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, यूरोप के अंदर में फंसी हुई है, तो इसके पास ज़्यादा लैंड नहीं है। तो अब इसके पास सारे प्लास्टिक तो बढ़ते जा रहा था, तो ये लोग क्या किया, तो एक बार एक पावर प्लांट को लिया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट मारा इन्होंने कि पावर प्लांट में हम प्लास्टिक ही जलाएंगे सीधे हाई टेम्परेचर ताकि सेफ रहे। इन्हें वहाँ से 11-12 मेगावाट मिल जा रहा है। अब ये कचरे बाकी सारे यूरोपियन कंट्री से खरीद रहे हैं जिसके लिए इन्हें पैसा मिल रहा है। खरीद रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये इन्हें पैसा दिया जाता है कि भैया हम 100 टन कचरा डाल देंगे तो हमको $11 हम तुमको दे देते हैं कचरा संभाल डालने के लिए। पैसा इनको यहाँ से मिल रहा है कि भैया ये कचरा ले रहे हैं, सबका पैसा मिल रहा है, उसके बाद ये जला दे रहे हैं, जलाने के बाद इससे बिजली निकाल ले रहे हैं। तो समझ रहे हैं दो हाथ से प्रॉफिट हो जा रहा है। तो प्लास्टिक को सल्टाना मुश्किल नहीं, तो मैं रिसाइकिलिंग करने का भी नहीं बोलता। प्लास्टिक भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और कभी चलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह रिसाइकलर आप नहीं बना, लेकिन हर जगह इंसिनरेशन प्लांट लगा सकते हो। अब ऑलरेडी इंडिया में कितने रिसाइकलिंग पावर प्लांट हैं वर्सेस कितने पावर प्लांट हैं, आप देख लो पावर प्लांट ज़्यादा होते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन चीज़ है, तो उस पर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता मैं। तो ये था मेरा रीज़न, मेरे कारण थे जो उससे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्लास्टिक अभी भी हमारा भविष्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो और अच्छा लगा हो। तो अगर वैसा है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट लिखिए कि आप आगे अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, हम तो वीडियो डेली बनाते हैं और आपका समय मुझे मिला इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद।